आप सभी को जय मसीह प्रभु यीशु के पवित्र मधुर और सामर्थ्यशाली नाम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में, नए इस चैनल पर। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कुछ वचनों को, वचनों के द्वारा परमेश्वर जरूर आपसे बात करेगा। ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते प्रभु जी, फिर एक बार आपके सम्मुख हम आते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हर एक बातों के लिए, हर एक चीज़ों के लिए। पिता परमेश्वर हम जो कुछ वचनों को देखें, हर एक वचनों से आप हर एक से बात करें प्रभु। जो वचन हम देखने वाले, धन्यवादी होना पिता परमेश्वर, वो हर एक वचन, हर एक बाइबल में से जो हम पढ़ेंगे, हर एक वचन को समझने के लिए, खुद को धन्यवादी बनाने के लिए आप हमें सहायता करें प्रभु। हर एक बातों के अगर आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा हम करते हैं, आपकी ओर से सुनने के लिए आपकी सहायता करें। सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, सुने और कबूल करें। ठीक है, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कुछ ऐसे वचनों को। अच्छे विषय है धन्यवादी होना। अगर हम देखेंगे आज की इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, धन्यवाद तो नहीं देते, लेकिन परमेश्वर को कोसते हैं, क्या प्रभु मेरे जीवन में ऐसी संकट, ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसी घटना क्यों हुई। बहुत सारे लोग परमेश्वर के ऊपर सवाल कर रहे हैं कि आज इन दिनों में मेरे फैमिली में, मेरे परिवार में ऐसे संकट क्यों आए। लेकिन हम जब देखते हैं धन्यवादी होना, तो धन्यवादी होना मतलब मेरे जीवन में कुछ अच्छा हुआ है इसीलिए मैं धन्यवादी होना, ऐसा है क्या? अगर आप क्या सोचते हैं। लेकिन अगर हम देखें परमेश्वर का वचन हमें बोलता है हर एक परिस्थिति में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और हम पढ़ेंगे यहाँ पर, हम तीन बातों को देखने वाले हैं, तीन पॉइंट्स, तीन काम हम देखने वाले हैं। मैं जो हूँ उसमें मुझे धन्यवाद देना है, मेरे पास जो है उसमें मुझे धन्यवाद देना है, और हर एक परिस्थिति में मुझे धन्यवाद देना है। हमें तीन बातों को देखने वाले हैं। परमेश्वर देखने के लिए सहायता करेगा ज़रूर आपको। अगर देखना है, आपको धन्यवादी होना है, तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो पहला पॉइंट हम देखने वाले हैं, मैं जो हूँ उसमें मुझे धन्यवाद देना। हम पहला वचन पढ़ेंगे, पहले थिसलनियो 3:5-18। हम यहाँ पर देखते हैं, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। और हम देखेंगे हमारे जीवन परमेश्वर की इच्छा क्या है, यह हमें जानना जरूरी है। हम हमारी इच्छाओं को, हमारी योजनाओं को, हमारी बातों को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। हम हर एक परिस्थिति में हम यही सोचते हैं कि मेरे जीवन में मैं किस तरह से मेरे परिवार को संभाल कर रखूँ, मेरे परिवार में मैं किस तरह से खुद के ज़रूरतों को पूरा कर सकूँ, हर एक इच्छा है। लेकिन हम जब देखते हैं यहाँ पर थिसलनियों के पत्र में 5:8 में, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। और हम उल्टा पढ़ेंगे, मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा यही है, हर बात में धन्यवाद करो। सीधा पढ़ेंगे, हर बात पे धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु मसीह में परमेश्वर की इच्छा है। कैसे भी पढ़ो, लेकिन उसमें एक ही उद्देश्य है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की इच्छा जानना, परमेश्वर हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उन घटनाओं से, उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करेगा, लेकिन उसके लिए हमें धन्यवादी होना जरूरी है। अगर हम रास्ते से जाएंगे, हज़ारों लोग हमें भूखे दिखेंगे, हज़ारों लोग हमें बिना कपड़ों के दिखेंगे, मैं उनके साथ हम लोगों का कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन आज हमें परमेश्वर ने हर एक प्रकार के ज़रूरतों को पूरा किया है, तो आज हमें धन्यवादी होना ज़रूरी है। सबसे पहले आता तो हम सवाल करते हैं परमेश्वर से, प्रभु मैं इतने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं मेरे पति के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो शराब छोड़े, गलत चीज़ों को छोड़े, मैं मेरे लड़के के लिए, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो खराब संगति को छोड़े, बुरी संगति से बाहर निकले। उपवास कर रहे हैं, फास्टिंग कर रही हूँ, लेकिन वो आज भी वो बुरी संगति में जी रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हर एक के जीवन में ऐसे संकट, ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, और वो बोलते हैं मैं किस तरह से धन्यवाद दे सकती हूँ, मैं किस तरह से धन्यवादी हो सकता हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर हम देखते हैं कि हर एक चीज़ में धन्यवाद देना, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम धन्यवादी बने। अगर आपकी इच्छा है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। जब हम वचन पहले देखते हैं, पहला पॉइंट की ओर, मैं जो हूँ उसमें मुझे धन्यवाद देना है। हम कौन हैं, आप क्या सोचते हैं, आप कौन हैं? सबके पास अलग अलग नाम हैं, हम जब दुनिया में रहते हैं हर किसी को लगता है अरे मेरा नाम तो रोहित है, मेरा नाम तो रवि है, मेरा नाम ए है, मेरा नाम देव है, हर कोई बोलता है मेरा नाम से लोग मुझे पहचानते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे, इंसान
जगह साइंस साइंस के दिमाग में देखेंगे, वहाँ पर किसी को भी आप उसके नाम से नहीं, जो उसके अंदर जो शरीर में मांस पेशी सेंस जो है उसके हिसाब से उसके द्वारा उसे पहचानते हैं। अगर आप बड़े बड़े कंपनी में फैक्ट्री में जाएंगे, वहाँ पर एक पंचिंग मशीन होती है, बड़े बड़े ऑफिस में पंचिंग मशीन होती है, वहाँ पर एक उंगली सिर्फ वहाँ कर जो लाइन से उंगली के अंगूठा हाथ का जो कुछ भी है उसके पहचान कर जाता है, ना ही नाम के द्वारा। मतलब आज ज़्यादा देखेंगे नाम सिर्फ किसी ने रखा है इसलिए हम पहचानते हैं, किसी का नाम माँ पापा ने रखा है, किसी का नाम मम्मी ने रखा है, किसी का रिश्तेदारों ने रखा है, हर किसी को हम नाम से पहचानते हैं। लेकिन परमेश्वर ने, मैं कौन हूँ परमेश्वर ने, मेरी पहचान क्या है, अगर हम देखेंगे उत्पत्ति, आप लोगों ने आप जानते होंगे उत्पत्ति 1:26 में वहाँ पर लिखा है, आप पढ़ सकते हैं अपने बाइबल को खोल कर आप देख सकते हैं कि 1:26 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाए। अगर हम देखें क्यों ने हम परमेश्वर के स्वरूप, उस निर्माणकर्ता परमेश्वर के हाथ की रचना है, हम परमेश्वर के स्वरूप है हम। मतलब हमारी पहचान सिर्फ नाम से नहीं है, परमेश्वर हमारे स्वरूप से पहचानता है, हमारे कामों से पहचानता है, हम परमेश्वर की निर्मिति है। हम लोगों ने भी वही देखा, पॉइंट हमारा वही है, मैं जो हूँ, मैं कौन हूँ, परमेश्वर की निर्मिति हूँ, तो मुझे धन्यवाद होना जरूरी है। हम पेड़ नहीं है, पेड़ अगर देखेंगे तो एक जगह पर स्थिर है, जीवित तो है लेकिन बात नहीं कर सकता, मतलब एक प्रकार से एक निर्जीव सजीव है लेकिन वो बात नहीं कर सकता, हिल नहीं सकता, चल नहीं सकता। लेकिन इंसान को परमेश्वर ने सब निर्मिति से, सिर्फ सब क्रिएशन से, जो परमेश्वर ने हाथ की रचना है उसके हाथ की रचना परमेश्वर ने सिर्फ इंसान को बोला गया है, अपने स्वरूप ने बनाया परमेश्वर ने हमें, तो हम धन्यवादी होना ये सबसे बड़ा कारण मैं समझता हूँ कि आज हम परमेश्वर के स्वरूप है इसलिए हमें धन्यवादी होना ज़रूरी है। हम सोचेंगे अरे मेरे पास तो ये नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, खुद का घर नहीं है, इतने सालों से मैं विश्वास कर रहा हूँ, इतने सालों से मैं चर्च में जा रहा हूँ, इतने सालों से प्रार्थना कर रहा हूँ खुद के घर के लिए लेकिन घर नहीं बन रहा है, इतने सालों से प्रार्थना कर रहा हूँ खुद के बाइक के लिए गाड़ी के लिए लेकिन नहीं मिल रहा है, इतने सालों से प्रार्थना कर रहा हूँ मेरे परिवार में जो ज़रूरत है परमेश्वर पूरा करे लेकिन नहीं हो रहा है, इतने सालों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले लेकिन ऐसे सब बातें परमेश्वर सही समय में पूरा जरूर करता है। वो सुनने वाला परमेश्वर है, सुनकर छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, जरूर सही समय में हर एक प्रकार की जरूरत को पूरा करेगा। हम लोगों ने देखा मैं जो हूँ उसमें मुझे धन्यवाद दे देना है, हम उसकी रचना है, उसके स्वरूप है ना, परमेश्वर हमें सहायता करे। अगर हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, मेरे पास जो है उसमें मुझे धन्यवाद देना है, आपके पास क्या है, आपके पास परमेश्वर ने क्या दिया है, क्या दिया है। अगर हम नीति वचन 30:8-9 पढ़ेंगे, वहाँ पर जो सुलेमान राजा है जिसने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर को दर्शन को देखा, जिसने परमेश्वर को देखने के बाद अगर हम वहाँ पर होते हम लोग क्या मांगते थे, लेकिन राजा सुलेमान ने क्या मांगा, हम देखते हैं क्या मांगा, आपको सबको मालूम ही है उसने क्या मांगा, एक ज्ञान विजडम को मांगा और बोला मुझे योग्य न्याय करने के लिए प्रभु आपके ज्ञान से आपके विजडम से भरिए। हम जब देखते हैं परमेश्वर वो देखकर साथ ही साथ परमेश्वर पूरी हर एक प्रकार की संपत्ति से भरपूरी कर, इसलिए हमें जरूरी है मेरे पास जो कुछ भी है धन्यवाद देना, धन्यवादी हृदय के साथ हमें परमेश्वर के साथ बने रहना। हाँ हमारे पास हो सकता है गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं, जो कुछ भी चीज़ें हैं दुनिया की वो नहीं होगी, लेकिन आज हमारे पास जीवित परमेश्वर है और उसने हमें सब कुछ दिया है, सार्वकालिक जीवन, शांति से भरा हुआ जीवन। आज अगर देखेंगे हम, ऐसा नहीं कि फाइनेंस जिनके पास है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, वो खुश है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे जमीन जायदाद है, लेकिन उनके हर एक जीवन, हर एक के जीवन में, हर एक के शरीर में बीमारी है, वो धन्यवाद नहीं दे सकते हैं। रात को नींद नहीं आती, नींद आने के लिए दवाई खाते हैं, सुबह दिन भर चलने के लिए दवाई खाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है उसमें हमें धन्यवादी होना ज़रूरी है। हम अगर देखेंगे, मैंने बताया नीति वचन 30:8-9 आप पढ़ सकते हैं आपकी बाइबल में, वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर क्या दिया गया है। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, खराब परिस्थिति में भी धन्यवादी देना। जब हमारे जीवन में खराब परिस्थिति आती है,
संकट आते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, खराब परिस्थिति आए तो सबसे पहले हम जाते हैं किसके पास, दोस्त, परिवार। हाँ जाना है, हमारे पास जो लोग हैं उनके पास तो हमें जाना है, लेकिन सबसे हम पहले हम क्या देखते हैं, जो हमें आँखों से देखता है उन लोगों के पास हम पहले भागते हैं। लेकिन हम जब देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें हर एक खराब परिस्थिति में भी परमेश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है। याकोब पहला अध्याय 2 और 3 वचन में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। ज़्यादा फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि हम लोगों का जल्दी ख़त्म भी होना चाहिए वीडियो, आप ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं James 1:2-3, 2 और 3, याकोब 2:1, 2 और 3 वचन आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर लिखा है हमें खराब कैसी भी परिस्थिति हो, हर एक परिस्थिति में हमें धन्यवाद देना है। हो सकता है हमारे पास हमारी ज़रूरत पूरा नहीं हो रही हो सकता है हमारे परिवार में जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो फाइनेंशियल नीड्स है, पूरी नहीं हो रही हो सकता है आपके परिवार में बच्चों की पढ़ाई आपके ऊपर है लेकिन वो फाइनेंस पूरा नहीं हो रहा हो। खाने के लिए जब शुरू होता है महीना तो आपके पास फाइनेंस पैसा आने के बाद अच्छे से महीना ख़त्म होते होते पूरी परिस्थिति खराब हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में भी हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है, ये है धन्यवादी होना। सिर्फ हमारे पास कुछ है इसलिए धन्यवादी होना, मतलब एक प्रकार से हम सिर्फ कुछ मिलेगा इसलिए हम मसीह में है, ऐसा नहीं है। मसीह में रहना मतलब हर एक प्रकार की परिस्थिति में हमें बने रहना, ये है परमेश्वर के वचनों से हम देखते हैं। अगर हम देखेंगे तीनों वचनों का सारांश हमें क्या मिलता है, आप क्या सोचते हैं तीनों वचनों से हम क्या सीखते हैं और क्या सीखना चाहिए हमें? हर एक परिस्थिति में धन्यवादी होना, हर एक संकट के समय में जो सहायता करने वाला परमेश्वर उसके हाथों में हमें बने रहना, यह आज वचनों से हम देखते हैं। अगर हम और एक लास्ट वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 139:14, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ, तेरे काम तो आश्चर्य है और मैं भले भांति जानता हूँ। यहाँ पर भजन संहिता लिखने वाला दाऊद परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान टाइटल दिया है, प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन, दाऊद ने लिखा वचन भजने है ये, और दाऊद जो है खुद के अनुभव से उसने लिखे हर एक वचन। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता शाम अगर हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि दाऊद ने खुद का अनुभव, खुद का जीवन उसने लिखा है उसने, और हमें उससे सीख मिलती है कि दाऊद ने किस तरह से वो परमेश्वर के साथ बना रहा, किस तरह से वो परमेश्वर की संगति में रहा। अच्छा हमारे जीवन में हो सकता है हमारे ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है, हम देख सकते हैं आपकी बहुत सारे नीड्स होंगे, ज़रूरतें होंगी, आप सोच रहे होंगे आने वाले दिनों में मैं ये करना चाहता था लेकिन ये नहीं हुआ। हज़ारों लोग हैं, 2019 में लोगों ने 31 तारीख को सोचा था कि 2020 और 21 में मैं ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, लेकिन हम अगर देखेंगे परमेश्वर के हाथों में हर एक बातें हैं, परमेश्वर पूरा करेगा उसके समय में। बहुत सारे लोग आज भूखे हैं कोविड के दिनों में, अगर देखेंगे बहुत सारे लोगों ने खुद के जॉब छोड़े हैं, बहुत सारे परिवार टूट गए हैं, तो परमेश्वर हम उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन आज हमें ज़रूरी है उस परमेश्वर को कोसना बंद करना। बहुत सारे लोग हैं आज परमेश्वर को कोस रहे हैं, धन्यवाद तो नहीं दे रहे हैं लेकिन जब खराब परिस्थिति आ रही है तो उसने वो परमेश्वर को कोस रहे हैं। अगर हम देखेंगे बाइबल में इतने सारे उदाहरण है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं कि उसमें हम उनके जीवन से हम सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। योब का जीवन सब जानते हैं, योब का जीवन बोलने से, योब बोलने से सब जानते हैं कैसा था वो, कैसी परिस्थिति उसमें जीवन में। वो धार्मिक नहीं था, धार्मिक था, वो परमेश्वर को नहीं जानता था। वहाँ पर लिखा गया अच्छी परिस्थिति में धन्यवादी होना। दानियल का जीवन हम जानते हैं, जोसेफ का जीवन हम जानते हैं, अपने पढ़ाई होगा हर एक के जीवन के बारे में। हम सबसे एक ही सीखते हैं कि हमें धन्यवादी होना है, और आज के वचनों से परमेश्वर हमें वही याद दिलाता है कि आज मुझे हम सब को धन्यवादी होना है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो परमेश्वर ज़रूर आपको आशीष देगा। हमने इस वीडियो में 3 पॉइंट्स देखे हैं, मुझ में जो है, मेरे पास मैं जो हूँ उसमें मुझे धन्यवाद देना है, पहला पॉइंट था। दूसरा था मेरे पास जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया है उसमें मुझे धन्यवाद देना है, और तीसरा था खराब परिस्थिति हो या अच्छी परिस्थिति हो हर एक परिस्थिति में मुझे धन्यवाद ही
होना जरूरी है। भजन संहिता 139 के ऊपर लिखा गया, मैं अद्भुत रीति से रचाया गया हूँ। हम सब अद्भुत रीति से रचे गए हैं। शून्य से लेकर बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। अपने स्वरूप में बनाने वाला परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। हो सकता है आपकी बहुत सारी ज़रूरतें हो। मैं नहीं बोलता कि हमें धन्यवादी होना मतलब हमें छोड़ देना, लेकिन आपको प्रार्थना करना जरूरी है। आप प्रभु को धन्यवाद तो देता हूँ, मेरी जरूरत के बाद जरूरत करें। अपन हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को कोस नहीं सकते। कि बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, क्या हुआ, मैं तो प्रार्थना करता था, मैं तो विश्वासी जीवन जी रहा था, लेकिन मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, क्या है कि आज मैं धन्यवाद दे सकता हूँ। बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना करना छोड़ दिया। कोविड के दिनों में हम देखेंगे बहुत सारे लोगों ने विश्वास से भटक गए, परमेश्वर से दूर चले गए हैं। अगर आज हम जानते हैं हर एक परिस्थिति में धन्यवाद देना, तो हम कभी भी परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। अगर हम जानेंगे परमेश्वर को किस तरह से धन्यवाद देना है, तो हम कभी परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वह धन्यवादी का भेंट हम क्या दे सकते हैं। हमारे पास क्या है, पैसा, गाड़ी, बंगला, परमेश्वर को हम कुछ नहीं दे सकते। मैं हर बार बहुत सारे चर्चेस में बहुत सारे लोगों में वही बोलता हूँ यही, कि हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ ओठों का फल। भजनकार भी बोलता है, हम परमेश्वर के सामने में क्या ला सकता हूँ। हम हर समय यही बोल सकते हैं, मैं क्या ला सकता हूँ। दान, दशमांश, वो तो यहाँ की चीज़ें हैं, परमेश्वर उससे खुश नहीं होता। लेकिन परमेश्वर खुश होने वाली बातें धन्यवाद की बात, धन्यवाद की विधि, धन्यवाद की भेंटी हमें परमेश्वर के सामने लेके आना है। साक्ष्य, गवाही, धन्यवाद के शब्द, प्रभु धन्यवाद आज के दिन के लिए, हर एक चीज़ से हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आपकी ज़रूरतें आज तक पूरी नहीं हुई, लेकिन इसके 2021 के अंत तक परमेश्वर ज़रूर आपके हर एक प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करेगा। बहुत सारे हो सकते हैं आपकी ज़रूरतें होंगी, फाइनेंशियल नीड्स होंगे, परिवार चलाने के लिए बहुत सारी बातें होंगी, हर एक चीज़ परमेश्वर पूरा करेगा। ऐसा नहीं कि हमें खराब परिस्थिति में छोड़ देना है, धन्यवादी होना, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके लिए, उस परिस्थिति को बदलने के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु इस परिस्थिति को आप बदलिए, और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ हमें खड़े रहना है, ना ही उसे छोड़कर अपने रास्ते से भटक जाना है, विश्वास से भटक जाना है।